Uh, my dear students, last time uh, we had discussed uh, a relation between circular motion and SHM, and we had studied that whenever a particular body is moving in circular path, so its projection. Or its shadow is executing simple harmonic motion along the diameter of the same circle. Okay. Now we are going to uh, discuss uh, some characteristics of SHM. Characteristics. we are going to discuss uh, some uh, properties of simple harmonic motion. Okay. And by properties we here we mean basically the properties of the शेडो ऑफ द पॉइंट पी देखें अगर पॉइंट पी इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ओके तो इस पॉइंट पी का जो शेडो है विच इज रिप्रजेंटेड बाई क्यू जिसे हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं तो इस ये जो प्रोजेक्शन है इट एक्सिक्यूट सिंपल हारमानिक मोशन अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल तो हमने बेसिकली इस पॉइंट क्यू के कैरेक्टरिस्टिट पढ़ने हैं करेक्ट्रिस्टिक्स का मतलब है यानी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वगैरह वगैरह ठीक है सो नंबर वन वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड इस पॉइंट क्यू का जो टाइम पीरियड है अच्छा एक बात आप याद रखें देखो अगर पॉइंट पी सपोज पॉइंट ए पर है तो शेडो इज ऑल्सो हेयर ये पॉइंट Uh, ये जो पॉइंट क्यू uh, है इट इज़ ऑल्सो हेयर ठीक है अगर बॉडी इधर है शेडो भी इधर है अब अगर बॉडी इधर आ जाती है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आप देखें यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे पास ये जो शेडो uh, uh, है इट विल बी हेयर इफ़ दिस पॉइंट पी इज हेयर द शेड विल बी एट सेंटर एंड इफ इट इज हेयर सो द शेडो इज़ ऑल्सो हेयर इफ़ द पॉइंट पी या बॉडी स्टमिन हेयर The shadow is back to the center, and if the body is back to A, so the shadow is also back to the same point A. इसका ये मतलब है कि अगर ये point P एट revolution कवर करता है तो remember ये पॉइंट क्यू एट वाइब्रेशन या एट oscillation कवर करेगा इसी वजह से दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का जो टाइम पीरियड है इट विल बी द सेम सिमिलरली their frequencies विल बी द सेम तो ये जितने टाइम में पॉइंट पी एट रेवोल्यूशन कवर करता है सेम टाइम में पॉइंट क्यू एट वाइब्रेशन कवर करता है इसी वजह से दे हैव डॉट द सेम टाइम पीरियड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी तो देखो अगर हमारे पास ये पॉइंट पी यहां से लेकर वापस इधर आ जाता है तो देखें कितना कितना डिस्टेंस कवर करता है टू पाई आर जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है ठीक है और जितना टाइम लेता है देट इस टाइम पीरियड और चैप्टर नंबर फाइव में हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी तो इफ़ यू सी इस इन तीन पैरामीटर से जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास है एस इज इक्ल टू वी टी और अगर आप यहाँ से टी कैलकुलेट करें तो टी इज इक्वल टू एस ठीक है डिवाइडेड बाई वी लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन आप ऐसा करें इस इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यूज पुट करें एस की जगह टू पाई आर पुट करें और वी की जगह आर ओमेडा पुट करें गेट लाइक दिस टी की जगह कैपिटल टी तो टी इज इक्वल टू एस की जगह टू पाई आर और डिवाइड बाय आर ओमेगा ये दोनों कैंसल आर आर के साथ कैंसल एंड देयर फोर वी आर गेटिंग टी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ठीक है तो ये हमारे पास दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पॉइंट क्यू यानी दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द शेडो ठीक है पेर ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी ठीक है अगर आपको पॉइंट पी के एंगुलर वेलोसिटी का पता है तो आप पॉइंट क्यू का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट पी का टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के टाइम पीरियड्स आपस में बराबर हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर पॉइंट पी एट रेवोल्यूशन कवर करता है तो पॉइंट क्यू एक वाइब्रेशन कवर करता है तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पॉइंट क्यू नाउ नंबर टू वी आर गोइंग टू स्टडी एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है नंबर टू है एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी शेडो की ठीक है एक्सप्रेशन फॉर frequency. frequency. देखिए फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है इस चैप्टर के शुरू में कि फ्रीक्वेंसी एस एफ का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बराबर है वन ओवर T. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन और टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड बराबर है टू पाई डिवाइड बाई ओमेगा। इक्वेशन नंबर टू को वन में पुट करें तो टाइम पीरियड हमारे सॉरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वन वर टू पाई डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है और अगर आप इसे उल्टा करें ये ओमेगा ऊपर चला जाए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा डिवाइड बाय टू पाई सो दिस इज़ द equation for the frequency of the shadow yeah frequency of the projection yeah this is the e frequency for the <coughs> uh, point q Dehko, time period barabar has 2 pi by omega or frequency barabar hai omega divided by 2 pi so this is the equation for the uh, frequency of uh, the point q <coughs> याद रखिए ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट पी ये ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट पी है और एफ क्या है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉइंट क्यू है इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर आपको पॉइंट पी की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पता है तो आप पॉइंट क्यू की लीनियर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकती देखें पॉइंट पी की जो फ्रीक्वेंसी है वो लीनियर है बिकॉज पॉइंट क्यू इज ऑसिलेट इन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सर्कल वाली जो ओमेगा इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉइंट पी बिकॉज पॉइंट पी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेजन बिकॉज इट इज रिलेट इन एनगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी ओके फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेजन कैन ऑल्सू बी रटन लाइक दिस कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टू पाई इंटू एफ देखिए ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये जो टू पाई है इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर इट कन्वर्ट्स इट इज़ अ कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू एंगुलर फ्रीकवेंसी एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंटू लीनियर फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिवाइड Angular frequency by 2 pi, you are getting linear frequency. But if the same linear frequency is multiplied by 2 pi, you are getting back the angular frequency. So, this is a very uh, important equation, and this is an important factor 2 pi, which converts linear frequency into angular frequency and angular frequency into the linear frequency. Now, we are coming to uh, number 3, the expression for the वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थ्री ठीक है शाबाश प्रॉपर्टी नंबर थ्री है इक्वेजन या एक्सप्रेशन फॉर द वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब है पॉइंट क्यू देखिये ये सेम सर्कल है अगर पॉइंट पी सपोज ए पर है द शेडो इज एट ए if point p is coming here the shadow is coming to the center if point p is coming uh, to point b the shadow is also here if this point p is coming here the shadow is back to the center and if point p is coming back to a the shadow is back to a in other words you can say if point p is complete in one revolution so point q is complete in one oscillation or one vibration okay, okay. अगर एट एनी टाइम टी एट एनी टाइम टी सपोज ये जो ये हमारे पास ये जो पॉइंट uh, पी है ठीक है इट इज़ हेयर फॉर एग्जाम्पल एट एनी टाइम टी पॉइंट पी इज हेयर तो देखिए पॉइंट पी की जो लीनियर वेलोसिटी है इट विल बी टेंजेंशल टू द सर्कल You know, whenever a body is moving along a circular path, so its linear velocity at each and every point is tangential to the same circle. So the velocity of the point P is tangential to the circle. Okay? and velocity is a vector quantity. So if you try point P, say normal draw, draw diameter Q upper, So point Q will give us the shadow. And if you try to extend this, if you see this velocity. इस लाइन के साथ यानी वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहे ठीक है एंगल बना रही है और जिस साइड पे एंगल बन जाए दिस स्टाल बेस थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं तो इस वेलोसिटी के पॉइंट पी के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं देखिए एक कंपोनेंट है वी पी क्रॉस थीटा दूसरा कंपोनेंट है वी पी साइन थीटा अब जरा गौर से देखें देखिए इसका जो वाई कंपोनेंट है इस का जो वाई कंपोनेंट देखें ये 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 सपोज हमारे पास दिस इज एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है तो इस केस में चूंकि एंगल एक्स एक्स पे ना वाई एक्सेस के साथ बन जाते तो वाई एक्सेस इज बिहेविंग लाइक बेस ओके तो हमारे पास इस वेलॉसिटी के दो कंपोनेंट्स है देखें का एक वाई कंपोनेंट है विच इज़ वी वाई इज इक्वल टू तो वी पी इन क्रॉस दिस इज लेट इक्वेजन नंबर वन सही है और इस वेटी का जो दूसरा कम्पोनेट है ठीक है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि एक्स के साथ तो इधर क्रॉस थीटा आता है लेकिन नहीं आता क्योंकि ये थीटा अब एक्स एक्सपे ना वाई एक्स एस पे बना है ठीक है तो देअर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलासिटी वेलोसिटी के दो कम्पोनेंट्स है एक हमारे पास है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट है अब आप लोग गौर से देखें ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है विच इज़ अलोंग द ठीक है जो सॉरी जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है विच इज़ अलोंग द वाई एक्सिस इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द मोशन ऑफ द शैडो क्योंकि आप देखिए शेडो इस तरह मूव कर रहे हैं गौर से देखो ये शेडो ए से बी बी से ए ए से बी और बी से ए इस तरह मूव कर रहे ठीक है ना अलॉन द डायमीटर तो ये जो वेलोसिटी है ये अलॉन द डायमीटर नहीं है ये इस डायमीटर को परपेंडिकुलर है देयरफॉर दिस वेलोसिटी डजेंट कंट्रीब्यूट to the velocity of the point q to the motion velocity means motion okay so you ye jo vp cos theta wala component hai it doesn't contribute to the motion of the shadow it doesn't contribute to the projection of the point p which is q lekin ye wala jo component hai gaur se dekho ye wala ye wala अगर आपको नजर आ रहे वी पी साइन थीटा ये वी पी साइन थीटा आप इधर ड्रॉ करें इधर ड्रॉ करें इधर ड्रॉ करें इधर ड्रॉ करें

शन वेलॉसिटी ऑफ पॉइंट क्यू क्योंकि वो जो शेडो है या प्रोजेक्शन है इसको हमने क्यू से रिप्रजेंट किया हुआ है तो यह है वी क्यू विच इज रटन एज वी पी इंटू साइन थीडा ओके दिस इज लेट इक्वेजन नंबर थ्री यानी पॉइंट पी के वेलॉसिटी के दो टम्पोनेंट्स हैं

लॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सर्कल इट कंट्रीब्यूट द अदर वन डी तो दियर फोर वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपोनेंट ऑफ फिलोसटी नॉट इन वीपी फॉर गेट अबाउट वीपी टॉस दिटा वी आर टेक इन वीपी डीटा ठीक है नो so, फर्दर in uh, uh, so, आप देखें एक एक स्टेप को देखें देखो uh, <clears throat> हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर फाइव में भी पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है इट इज़ बीज इक्वल टू आर ओमेगा सही है लेकिन लीनियर वेलोसिटी किसकी है पॉइंट बी की तो आप ऐसा करें दिस इज इक्वेशन नंबर फोर इस इक्वेशन नंबर फोर को थ्री में पुट करो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू आ जाएगी आर ओमेगा इन टू साइंस थिएटर दिस इज लेट इशन नंबर फाइव अच्छा आप लोग देखें <coughs> ये जो वेलोसिटी है ना इट इज बिहेविंग लाइक द वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी है क्यों क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजिशन पर वेलोसिटी क्या होती है जीरो और मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम तो आप लोग अगर देखें लोकेट सपोज अगर ये शेडो इधर है ठीक है तो देखें ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है ज़ीरो क्यों क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये पॉइंट पी अगर इधर है तो ये आर भी इधर आ जाएगा तो कितना एंगल बनाए बनाएगा एक्सेस के साथ ज़ीरो देखिए यहाँ पर जो एंगल है थीटा ये हमारे पास है ज़ीरो अगर आप इधर थीटा कीजिएगा ज़ीरो पट करें तो साइन जीरो इज जीरो तो वेलोसिटी इज जीरो सो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू इज जीरो पॉइंट ए लेकिन देखो जब ये पॉइंट पी इधर आ जाता है तो पॉइंट क्यू इधर आ जाएगा तो आर देखें इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा नाइनटी यहाँ पर नाइन्टी एंगल बनाएगा और साइन 90 अगर आप इधर 90 पुट करें साइन 90 इज वन सो देयरफॉर फोर वी कैन से कि वेलोसिटी सेंटर पे क्या होगी मैक्सिमम और अगर ये पॉइंट पी इधर आ जाते तो शेडू भी इधर आ जाएगा सो व्हाट विल बी द एंगल द एंगल विल बी वन आप इधर पुट करें साइन वन इक्वल टू जीरो सो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू इज जीरो जब ये इधर आ जाता है ठीक है ना तो द एंगल विल बी टू सेवनटी इफ इट इज बैक टू द सेंटर पॉइंट पी इज हेयर पॉइंट क्यू इधर सेंटर पे आ जाएगा द एंगल विल बी टू सेवनटी और साइन टू सेवेंटी इज माइनस वन इसका मतलब है कि वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन और जब ये वापस इधर आ जाएगा तो द एंगल विल बी थ्री सिक्सटी और साइन थ्री सिक्सटी इज जीरो

एंड वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ आर एंड एक्स तो देखो अगर आप ऐसा करें कि इफ यू कंसिडर दिस दिस ट्राइंगल देखें अगर आप ये ट्राइंगल कंसिडर करें यह ट्राइंगल है अगर आपको नजर आ रहा है विस दिस इज आर वड इज दिस ये हमारे पास है पी एंड विस दिस इज क्यू दिस इज ओ ये है टीटा यह है एक्स ठीक है ना तो इस ट्राइंगल में इफ यू सी कॉस थीटा बराबर है इन दिस थीटा बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस एक्स डिवाइड बाय आर ठीक है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स अब आप देखिए इस ट्राइंगल से हम साइन थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है परपेंडिकुलर है लेकिन इसका वैल्यू हमें पता नहीं है कि पी क्यू का वैल्यू कितना है ये तो हमें पता है कि ये x है ये r है लेकिन इस परपेंडिकुलर का हमें पता नहीं है कि पी क्यू का वैल्यू कितना है इसी वजह से वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस साइन थीटा फ्रॉम हेयर एंड वी वॉन्ट टू राइट इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्रॉस थीटा तो ट्राइग्नोमेट्री में वी हैव अ फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला है ट्राइग्नोमेट्री में Uh, इस तरह हम लिख सकते हैं देखें फ्रॉम ट्राइग्नोमिट्री वी कैन राइट लाइक दिस कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टॉस स्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट साइन थीटा तो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टॉस स्क्वेयर थीटा ठीक है दिस इक्वेशन नंबर सेवन आप ऐसा करें क्रॉस थीटा का वैल्यू क्या है एक्स बाई आर यानी आप ऐसा करें पुट इक्वेशन नंबर सिक्स इन इक्वेशन नंबर सेवन तो यह आ जाएगा साइन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस क्रॉस थीटा की जगह लिखो वो एक्स बाय आर एन दिस इज स्क्वेयर So, सही आ जाएगा साइन स्क्र थीटा इज इक्वल टू वन माइनस इसका स्क्र ले ले एक्स स्क्र डिवाइड बाई आर स्क्र आ जाएगा ठीक है और अगर आप ऐसा करें कि साइन थीटा कैलकुलेट करें ठीक है साइन थीटा कैलकुलेट करें या पहला ऐसा करें कि इसका एल्सीयम ले लें इसका एल्शियम क्या आ जाएगा आर स्क्र एंड दिस विल बी आर स्क्र माइनस एक्स स्क् इसका एल्शियम आर स्क्र है R square X square आ जाएगा और अगर आप साइन थीटा कैलकुलेट करें बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन साइन थीटा तो साइन थीटा दोनों साइड का स्क्टर रूट ले लो तो आर स्क्र माइनस एक्स स्क् रूट दिस इज लेट इक्वेजन नंबर एट इस इक्वेजन नंबर एट को इधर पुट करो इक्वेजन नंबर एट को फाइव में पुट करो साइन थीटा का वैल्यू इधर पुट करो तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन आ जाएगी आप ऐसा करें पोटा इक्वेशन नंबर एट इन इक्वेशन नंबर फाइव तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू इज आर ओमेगा और साइन थीटा की जगह लेखो आर स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड स्क्वाइड बाई आर स्क्वेड। देखो ये जो आर स्क्वेड है ये स्क्वेयर रूट से बाहर जाए तो अब देखिए किया जाएगा आर ओमेगा डिवाइड बाय आर और ये आर स्क्वायर बार नहीं जा सकता क्योंकि दरमियान में नेगेटिव ओके okay? तो फॉरगेट अबाउट दिस आप इसे इस तरह लेके आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आर आर के साथ कैंसिल करो तो वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू आ जाएगी ओमेगा एंड दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज द इक्वेजन फॉर द वेलॉसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ठीक है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आर और याद रखें अगर आप लोग देखें इस इक्वेजन के जरिए बिहेवियर कैलकुलेट करें तो यू कैन कैलकुलेट फॉर एग्जाम्पल देखें इस तरह आप लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू बराबर है ओमेगा इनटू आर स्क माइनस एक्स स्क् नो लोकेट वी कैन आल्सो डिस्कस द बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल किस तरह देखो अगर प्रोजेक्शन इधर है देखिए जब ये प्रोजेक्शन सेंटर से इस तरह यानी पॉइंट क्यू आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे देखिए व्हाट विल हैपन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इफ़ यू सी ये एक्स आहिस्ते आहिस्ते बढ़ जाते बढ़ जाते बढ़ जाते बढ़ जाते तो यहाँ पर एक्स क्या है आर के बराबर है और अगर ये पॉइंट पी इस तरह आ जाता है तो पॉइंट क्यों आप देखिए सेंटर की तरफ तो एक्स आम कम 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 जीरो तो यहां पर एक्स क्या है एक्स देखिए आर जीरो के बराबर है और यहां पर एक्स क्या होगा अगेन आर के बराबर होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस आर तो याद रखिए एक्स इज इक्वल टू प्लस आर और एक्स इज इक्वल टू माइनस आर का बेसिकली मतलब एम्पलीट्यूड एक्स इज इक्वल टू आर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस आर तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू क्या चाहिए जीरो इधर वेलोसिटी क्या चाहिए ज़ीरो ठीक है तो इसे जर, जरा हम चेक करते हैं मसलन लेट दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन वही तो देखें वी सेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अगर x प्लस माइनस आर के बराबर है क्या मतलब प्लस माइनस आर यानी अगर पॉइंट Q जो है या A पर है और या बी पर है तो ए पर वेलोसिटी क्या होगी जीरो बी पर वेलोसिटी क्या होगी जीरो तो आप यहाँ पर पुट करें इक्वेशन नंबर नाइन में पुट करें, आई राइट वी क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस विल बी आर स्क्वेड माइनस प्लस माइनस आर होल सो वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा एंड दिस विल बी आर स्क्वेड माइनस देखिए प्लस आर का स्क्वेयर ले लो या माइनस आर का स्क्वायर ले, ले लो तो आर स्क्वेयर आ जाएगा देखिए दीज आर ग्राउंड सो दियर फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू ए पर भी ज़ीरो है और बी पर भी ज़ीरो है तो ये किसका बिहेवियर है ये एस एच एम का बिहेवियर है एस एच एम में एक्सट्रीम पोजिशन पर वेलोसिटी जीरो होती है ठीक है इसी तरह अगर आप सेंटर पे देखें तो सेंटर पे व्हाट इज एक्स देखें सेंटर पे जो एक्स है दैट इज इक्वल टू जीरो मैन एक्स इज इक्वल टू जीरो नंबर नाइन में पुट करें So velocity at the center is equal to this is omega and this is r square minus minus zero cas square. So therefore this will be vq is equal to omega into r square minus zero. So yeah, vq is equal to omega. R square minus zero means r square. R square ka square root lelo. So r a j. So this is r omega. So, if you see the velocity of the point q is maximum.

दिन एन इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शेडो यानी प्रोजेक्शन या पॉइंट क्यू एंड देन वी कैलकुलेटेड एन एक्सप्रेशन आर इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी और वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन हमने डेराइव की सो दिस इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिहेवियर्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ओसीलेटर यानी जो इक्वेजन हमने डेराइव की है ये बिल्कुल सिंपल हारमानिक ओसीलेटर की वेलासिटी की तरह बिहेव करती है Therefore, we got all the things and thank you very much